सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है उसके लिए अपने कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपने प्रारंभिक जो विद्युत आती है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। आपके जो हैंड टूल्स जो टॉपिक है, जो दस्ती औजार का जो टॉपिक है उसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपकी जो प्रारंभिक यांत्रिकी है उससे रिलेटेड भी अपन बात कर चुके हैं। आपका जो DC थ्योरी है यानी कि डायरेक्ट करंट का जो भी कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उससे रिलेटेड भी अपन बात कर चुके हैं। देखिए इतने टॉपिक हैं वो अपन ने कवर कर लिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वरना आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेक्निकल हेल्पर नोट्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज के सेशन में देखिए अपन बात करेंगे आपके जो विद्युत रासायनिक प्रभाव और सेल है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए आपके चाहे DMRC की एग्जाम हो, DMRC में भी आपकी ये जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जो टेक्निकल हेल्पर की जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी देखिए बहुत ऐसी एग्जाम है जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन विद्युत रासायनिक प्रभाव के बारे में। देखिए विद्युत रासायनिक प्रभाव होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो देखिए जब किसी अकार्बनिक विलयन में से, देखिए मैंने कहा है अकार्बनिक विलयन, उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, ये इसमें जो अकार्बनिक लिखी हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखना। जब किसी अकार्बनिक विलयन में से, या तो आप ये कह सकते हो कि किसी अकार्बनिक विलयन में से, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब किसी अम्लीय विलयन में से, ये भी बिल्कुल सही है, जब किसी अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा है वो प्रवाहित की जाती है तो विलयन है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए इसमें भी इसी तरीके से लिखा गया है कि जब कोई अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा वो प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में परिवर्तन पैदा हो जाता है और यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है और यह प्रभाव क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाता है। कहने का मतलब वही है कि जब किसी अम्लीय विलयन में से कोई अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और यही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है आपका, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ओके तो ये विद्युत रासायनिक प्रभाव की डेफिनेशन। देखिए आपको एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, आपको देखा एग्जाम में तो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि जब किसी अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यह निम्न में से कौन सा प्रभाव कहलाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक आएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव, तो ये क्या होता है, विद्युत रासायनिक प्रभाव होता है। इसलिए हर एक डेफिनेशन होती है वो हर एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, आप ये मत सोचा करो कि जो डेफिनेशन होती है वो एग्जाम में नहीं आती है, डेफिनेशन का क्वेश्चन बना दिया जाता है और जो क्वेश्चन होता है उसको ऑप्शन में दे देता है, इस तरीके से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो विलयन होता है जिसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए एक ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना है वो परिवर्तित हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, वही क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये आमतौर पर या तो क्या होता है, अम्लीय होता है, ये क्या होता है, अकार्बनिक विलयन होता है, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, या तो ये क्या होता है अकार्बनिक विलयन होता है या फिर क्या होता है, ये अम्लीय विलयन होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या युक्ति है वो अपनाई जाती है। देखिए कोई विलयन में से अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या युक्ति अपनाई जाती है, इलेक्ट्रोड अपनाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, एनोड और कैथोड। जब किसी विलयन में से विद्युत धारा अगर अपन को प्रवाहित हो करनी हो तो एनोड और कैथोड ये दो युक्तियां हैं वो अपनाई जाती हैं। देखिए एनोड और कैथोड के बारे में अपन देखते हैं। देखिए एनोड क्या होता है, बहुत ध्यान योग्य देने योग्य बात है कि जिस मतलब प्लेट के द्वारा या जिस छड़ के द्वारा विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, एनोड के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके ये जो एनोड होते हैं और जो कैथोड होते हैं ये आपको कन्फ्यूज़ रहते हो, मुझे पता है आप सभी इसमें कि आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ये कभी भी याद नहीं रहता है। तो देखिए आपको मैं याद रखने की एक थोड़ा सा सिंपल सा तरीका बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप कभी नहीं भूलोगे, वरना आप ये दो क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आगे वाले दो क्वेश्चन पढ़ोगे तो भूल जाओगे एनोड प्लस होता है या फिर कैथोड प्लस होता है, क्योंकि अक्सर होता है एग्जाम में बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। इसलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें से अपने दिमाग में पहले कौन सा आता है भाई, अपन जैसे हम आदमी ये सोचता है कि दूसरे को जब बोलते हैं यार पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखा करो, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है पॉजिटिविटी तो पहले आएगी और नेगेटिविटी है वो बाद में आएगी, यानी नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं रखनी चाहिए इस तरीके से, पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव क्या आता है, पहले आता है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव पहले आता है,
ठीक है, पैसे पॉजिटिव और पैसे पहले, ठीक है। बाद में देखिए, एक आता है आपका एनोड और एक आता है आपका कैथोड। तो एनोड में ए आता है और कैथोड में क्या आता है, अब बताइए, ए पहले आता है कि के पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है, ए पहले आता है भाई। जब वर्णमाला अपन ABCD पढ़ते हैं तो ए पहले आता है, इसका मतलब ए पहले आता है। और थिंकिंग कौन सी पहले आती है? पॉजिटिव थिंकिंग पहले आती है। इसका मतलब ए किसके साथ में आएगा? पॉजिटिव के साथ में आएगा। इसका मतलब एनोड कैसा होता है? धनात्मक होता है, ओके। बाकी बच गया कैथोड, वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसको इस तरीके से याद रखना आप, एनोड होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में रखनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। एनोड ए पहले आता है कैसे? इसका मतलब एनोड है वो पहले वाला पहले के साथ में, और दूसरे वाला है वो दूसरे के साथ में चिपका दो। इस तरीके से देखिए, ये याद रखने का तरीका है। आपको अगर और किसी मेथड से आपको याद रहता है तो आप उस मेथड से याद कर लीजिए, वरना जिसको याद नहीं है वो इस तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आपको 100% है वो इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, एनोड क्या होता है? एनोड वो छड़ होती है जिस विलयन, जैसे देखिए ये आपका विलयन है, इसमें अपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, तो एनोड वो छड़ होती है जिसके माध्यम से विद्युत धारा है वो विलयन से बाहर जाती है, वो क्या होता है? आपका एनोड होता है। और कैथोड क्या होता है? जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा है वो विलयन में प्रवेश करती है, तो वो क्या होता है? आपका कैथोड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन पैदा हो जाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में से जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन क्या प्रवाहित होगा? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अभी अपन ने बात की थी, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विलयन होता है जिसमें से अपन क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसलिए आप ये इलेक्ट्रोलाइट नाम देकर कुछ और कुछ मत सोचने लग जाना, इलेक्ट्रोलाइट वही विलयन की ही बात हो रही है जिसमें से क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें घुला हुआ जो आयन्स होता है, वो पदार्थ होता है, वो आयन्स में विभक्त हो जाता है। देखिए, इसमें H2SO4 का विलयन भरा हुआ होता है, तो SO4 किस में टूटता है? H2H+ में, और SO4-2 में टूटता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? 2H+ और SO4-2, ये क्या है? ये आयन्स हैं। कहने का मतलब है कि जो तनु गंधक का अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी को गंधक का अम्ल बोलते हैं, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु जो अम्ल है, इसको ये हाइड्रोजन आयन्स में, देखिए ये हाइड्रोजन आयन्स में और ये सल्फेट आयन्स में टूट जाता है, ये विभक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में जो पदार्थ घुला हुआ होता है टूट जाता है। और कौन कौन से आयन्स में टूट जाता है? हाइड्रोजन आयन्स में और सल्फेट आयन्स में टूट जाता है, जब इसमें ये जो आपका तनु अम्ल है वो मिला हुआ होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन क्या होता है? अब ये आयन में टूट जाता है, लेकिन ये आयन होता क्या है? आवेश युक्त परमाणु अथवा रेडिकल को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे SO4-2 होता है आपका, NH4+ होता है, इसी तरीके से और भी आयन्स होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। जैसे H2SO4 में धारा प्रवाहित की तो ये हाइड्रोजन आयन्स में और सल्फेट आयन्स में टूट गया, इसी तरीके से ये आयन्स में टूट जाते हैं। धनायन क्या होता है? धनावेशित आयन अथवा रेडिकल को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और ऋणावेशित आयन अथवा रेडिकल को किस नाम से जानते हैं? ऋणायन के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है, धनायन क्या होता है? धनावेशित आयन धनायन होता है, और ऋणावेशित आयन क्या होता है? आपका ऋणायन होता है। अब धनावेशित आयन धनायन होता है, लेकिन ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी इक्वेशन है, इसमें धनावेशित आयन कौन सा है? तो देखिए, H2SO4 जब टूटा तो 2H+ में टूटा, तो ये आपका क्या है? धनावेशित आयन है। और SO4-2 में टूटा, इसका मतलब ये क्या? आपका ऋणावेशित आयन है। यही देखिए आगे लिखा हुआ है, H2SO4 है उसमें 2H+ और SO4-2 में हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या है? आपका धनायन है। और यही मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन आयन क्या है? आपका धनायन है। और सल्फेट आयन आपका है वो क्या है? इसमें सल्फेट आयन है वो ऋणायन है। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें हाइड्रोजन धनायन और सल्फेट क्या हो गया? इसमें ऋणायन हो गया। ऋणावेशित आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं, ओके। देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण क्या होता है? तो देखिए, आयनीकरण क्या होता है? परमाणु तथा रेडिकल्स के आयन्स में जो परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जानते हैं? आयनीकरण के नाम से जानते हैं। परमाणुओं या फिर रेडिकल्स के आयन्स में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसी को किस नाम से जानते हैं? अपन आयनीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन और जो ऋण आयन है विलयन में किस किस ओर गति करते हैं? तो धनायन है वो विलयन में किस ओर गति करते हैं? धनायन विलयन में करते हैं कैथोड की ओर गति करते हैं, और ऋणायन है वो विलयन में किसकी ओर गति करते हैं? एनोड की ओर गति करते हैं। तो धनायन जो धन आयन्स होते हैं वो तो कैथोड की ओर गति करते हैं, और ऋणायन होते हैं वो आपके एनोड की ओर गति करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टामीटर क्या होता है? तो देखिए, वोल्टामीटर क्या होता है? चीनी मिट्टी से बना हुआ क्या होता है? एक पात्र होता है, और वैद्युतिक अपघटन की जो क्रिया है वो वोल्टामीटर के अंदर ही संपन्न करवाई जाती है। तो देखिए, कांच अथवा चीनी मिट्टी से बना हुआ ये क्या होता है? एक पात्र होता है जिसमें वैद्युतिक अपघटन की जो क्रिया है वो क्या की जाती है? इसमें संपन्न करवाई जाती है। इसी को किस नाम से जानते हैं? वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के संबंध में क्या नियम स्थापित किए थे? तो फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित जो नियम दिए थे उसके बारे में देखिए। देखिए, फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए थे। फेराडे ने दो नियम प्रतिपादित किए थे विद्युत अपघटन से संबंधित, जिसमें पहला नियम इसमें यह दिया गया था कि जब किसी वैद्युतिक अपघटन विलयन में से अपन डायरेक्ट करंट प्रवाहित करते हैं,
यानी कोई वैद्युतिक अपघटन का कोई विलयन है, उसमें से अपन जब डीसी धारा है वो प्रवाहित करेंगे, तो विघटित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। यही क्या था, जो फैराडे का प्रथम नियम था, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान है वो विलयन में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है वो समय के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर अपन को इस तरीके से कह सकते हैं कि वैद्युतिक अपघटन विलयन में से डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, तो अपघटित विघटित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो आपकी प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब है एम समानुपाती क्या होता है, आई और टी, जहाँ पर एम इज इक्वल टू क्या होगा, ये जेड आई टी। यहाँ पर जेड तो क्या है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। देखिए ध्यान रखना, जेड क्या है, एक नियतांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। आई क्या है, इसमें धारा है, और टी क्या है, इसमें समय है। तो यहाँ पर एम इजक्ल टू क्या हो गया, जेड आई टी हो गया। तो ये समीकरण आपकी यहाँ से आ गई, एम इजक्ल टू जेड आई टी। एम यहाँ पर क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, यह आपका ग्राम में होता है। आई क्या है, धारा है, एम्पियर्स में इसका मापन किया जाता है। टी क्या है, समय है, सेकेंड में इसका मापन किया जाता है। और जेड मैंने आपको बताया था विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ग्राम पर कूलाम में क्या होता है इसका जो मापन है वो करते हैं। देखिए दूसरा नियम जो दिया था फैराडे नामक साइंटिस्ट ने, दूसरा नियम ये था कि अलग अलग विद्युत अपघटे में जब समान धारा है वो समान समय के लिए अपन प्रवाहित करते हैं, तो मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये क्या था, फैराडे का दूसरा नियम था, यानी एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्वों की जो मात्रा है वो उसके रासायनिक तुल्यांकों की क्या होती है, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो एम वन समानुपाती डब्ल्यू वन, एम टू समानुपाती डब्ल्यू टू। यहाँ से एम वन इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, यहाँ से के मान लीजिए के डब्ल्यू वन है, और यहाँ से एम टू इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, के डब्ल्यू टू। यहाँ पर के क्या है, नियतांक है, यहाँ से के का मान अपन निकालेंगे तो के इज इक्वल टू ये क्या आ गया, एम टू अपन डब्ल्यू टू। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो ये क्या आ गया, एम वन अपॉन डब्ल्यू वन। यहाँ से भी के है और यहाँ भी के है, तो इन दोनों के को आपस में बराबर कर देंगे तो ये क्या आएगा, एम वन अपॉन डब्ल्यू वन इजक्ल टू एम टू अपॉन डब्ल्यू टू। और देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है, एम वन अपॉन डब्ल्यू वन इजक्ल टू एम टू अपॉन डब्ल्यू टू। जब अपन तीन यहाँ पर ले लेंगे तो एम थ्री अपॉन डब्ल्यू थ्री। ये समीकरण है वो फैराडे के द्वितीय नियम से अपन को प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब है अलग अलग विद्युत अपघटे पदार्थ में जब समान धारा समान समय के लिए अपन मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये फैराडे का दूसरा नियम था, जहाँ पर M1, M2 और M3 तो क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं हैं, और W1, W2, W3 क्या है, तत्वों के जो रासायनिक तुल्यांक है वो ये है। देखिए रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग या गणनाओं में 1.008 भाग द्रव्यमान से संयुक्त होता है अथवा मुक्त होता है, उसी को किस नाम से जानते हैं, रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। देखिए ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, आप ये जो मान है, ये जो समीकरण है वो आप ध्यान में रखना, फैराडे के जो दोनों नियम है वो आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है, ECE जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, किसी तत्व का द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश 1 एम्पियर सेकंड द्वारा विलयन में संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है, वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। देखिए ये इक्वेशन अपने पहले भी आई थी, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार एम इज इक्वल टू जेड आई टी, यहाँ पर अपने बात की थी, ये जो जेड है वो क्या है, आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। देखिए रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो रासायनिक तुल्यांक होता है, रासायनिक तुल्यांक इज इक्वल टू होता है परमाणु भार, रासायनिक तुल्यांक इज इक्वल टू परमाणु भार अपॉन संयोजकता। ये आपका रासायनिक तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला होता है। अलग अलग ये आपके जो यौगिक होते हैं उनके लिए विभिन्न क्या होते हैं, रासायनिक तुल्यांक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए क्या होते हैं, 8 होते हैं, तांबे के लिए ये 31.5 होता है, चांदी के लिए 108 होता है। इस तरीके से रासायनिक तुल्यांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक अपघटन के क्या क्या उपयोग है। तो वैद्युतिक अपघटन को किस काम में लिया जाता है, वैद्युतिक अपघटन का उपयोग आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, विद्युत लेपन में काम में लिया जाता है। देखिए विद्युत लेपन क्या होता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, धातु शोधन में इसको काम में लिया जाता है, निष्कर्षण में, इलेक्ट्रो टाइपिंग में, इलेक्ट्रो एचिंग के रूप में, सेल में, इन सभी में आपका जो विद्युत अपघटन है उसका काम में लिया जाता है। इसलिए विद्युत अपघटन है, इसका उपयोग भी आप ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आपका जो सेल होता है वो क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रो टाइपिंग होता है, इलेक्ट्रो एचिंग होता है, विद्युत लेपन है जिसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, हर एक सेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाले काले बटन को जल्दी से नीला प्रेस कर दीजिए, और आप अभी तक हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।